दुनिया का पहला 44 मेगापिक्सल डुअल सेल्फी कैमरा स्मार्टफोन। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ओप्पो रेनो 3 प्रो डिवाइस की, जिसे ओप्पो की तरफ से काफी टीज किया जा रहा है और इस डिवाइस का ऑफिशियल लॉन्च डेट भी कंफर्म हो चुका है। 2 मार्च को ये डिवाइस ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस डिवाइस का ग्लोबल लॉन्च इंडिया में रखा गया है। ये डिवाइस 5G और 4G दो वेरियंट में देखने को मिलेगा। तो अगर आप एक ओप्पो फैन है तो आपको ये वीडियो मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे ओप्पो रेनो 3 प्रो स्मार्टफोन को लेकर, इस डिवाइस के कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ साथ ये डिवाइस किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो हे गाइज, मैं हूँ महेश, आप देख रहे हैं सिस्टेक बना। गाइज, ओप्पो रेनो 3 प्रो लास्ट ईयर चाइना में लॉन्च हो चुका है और इंडिया में इस डिवाइस का काफी बेसब्री से वेट किया जा रहा था। ऑफकोर्स ओप्पो रेनो डिवाइस अपने कैमरास के लिए काफी पॉपुलर है। ओप्पो इंडिया हेड R&D तस्लीम आरिफ ने अपने ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट पर ये कंफर्म कर दिया है कि इंडिया में ओप्पो रेनो 3 प्रो के साथ में आपको दो वेरिएंट देखने को मिलेंगे, 4G प्लस 5G। अब जैसा कि लॉन्च डेट कंफर्म हो चुका है, चलिए अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस को लेकर। तो जो ओप्पो रेनो 3 प्रो होगा वो स्लाइटली डिफरेंट होगा चाइनीज वेरियंट के कंपेरिजन में। सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्ले की। तो ओप्पो रेनो 3 प्रो के साथ में आपको 6.5 इंचेस का एक फुल HD प्लस OLED पैनल 90Hz के रिफ्रेश रेट पर डुअल पंच होल पिल शेप कैमरा के साथ में देखने को मिलेगा, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग है। अब आप सोचेंगे कि इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है। तो गाइज, ये डिवाइस वर्ल्ड का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जहां आपको हाईएस्ट कैमरा रेजोल्यूशन के ऊपर 44 मेगापिक्सल डुअल सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। चाइनीज वेरियंट के कंपेरिजन में ये डिवाइस डिफरेंट ग्रेडियंट कलर ऑप्शन के साथ में आएगा और प्रीवियस ओप्पो डिवाइसेस के मुकाबले काफी स्लीक होगा। रियर कैमरास की बात करें तो आपको वर्टिकल शेप में क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलेगा, जहां पर प्राइमरी सेंसर 48 मेगापिक्सल का होगा सोनी IMX 586 सेंसर। इसके अलावा 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 18 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम लेंस होने वाला है। अगर बात करें प्रोसेसर को लेकर, तो इस डिवाइस का जो 5G वेरिएंट होगा वहां आपको स्नैपड्रैगन 765 का ही चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 5G इंटीग्रेशन के साथ में आएगा और चाइनीज वेरिएंट में भी देखने को मिला था। बट इसके अलावा ये कंफर्म हो चुका है कि इंडिया में आपको 4G वेरिएंट भी देखने को मिलेगा। अब इसका प्रोसेसर कौन सा होगा ये अभी तक कंफर्म नहीं है, बट शायद से 7 सीरीज का ही कोई चिपसेट आपको यहां पर देखने को मिल जाए। इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन काफी सिमिलर होंगे चाइनीज वेरिएंट से। बैटरी जो होगी वो 4025 mAh तक की ही देखने को मिलेगी, जहां आपको 30W की वुक 4.0 फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिलने वाला है। ये डिवाइस एंड्रॉइड 10 बेस कलर OS 7 के ऊपर रन करेगा। डिस्प्ले में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। ओप्पो रेनो 3 प्रो के साथ में आपको 8GB 128GB 12GB 256GB रैम वेरियंट भी देखने को मिलेंगे और ये डिवाइस आपको इस बार फ्लिपकार्ट और अमेजन दोनों के ऊपर सेल के लिए अवेलेबल होगा। गाइज, अब बात करते हैं प्राइसिंग को लेकर। तो प्राइसिंग जो होगी वो 35,000 से 40,000 के आसपास बताई जा रही है, बट इस डिवाइस का जो 4G वेरिएंट होगा वो शायद से आपको 30,000 के नीचे देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी रिसेंटली ओप्पो रेनो 3 का जो प्राइस है वो काफी डाउन हो चुका है। तो ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस डिवाइस का जो 4G वेरिएंट होगा वो अंडर 30 के ही देखने को मिलेगा। ये डिवाइस ऑफिशियली 2 मार्च को इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो गाइज, देखते हैं ओप्पो इस डिवाइस को किस प्राइस पॉइंट के ऊपर इंडिया में लॉन्च करता है। तो गाइज, नीचे कॉमेंट्स में आप मुझे जरूर से बताना कि आपके अकॉर्डिंग ओप्पो रेनो 3 का जो 4G वेरिएंट होगा वहां पर आपको कौन सा प्रोसेसर देखने को मिल सकता है और क्या आप ओप्पो रेनो 3 प्रो के लिए एक्साइटेड हैं? नीचे जरूर से बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना और फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।